डॉक्टर सेल्वराज, ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है, 3D में वॉल्यूम डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं, जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। इट इज द बेस्ट टीथ वाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। कैन स्कैन योर जॉस एंड देन वी कैन प्रिंट योर जॉस ऑन दिस 3D। एक्चुअली फॉर अंडमान दिस इज अ वेरी बिग सेटअप, बट वी आर अमंग द टॉप डेंटल क्लिनिक्स इन इंडिया। F3 Ambience Mall आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 Ambience Mall में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 Ambience Mall। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 Ambience Mall। धन्यवाद देना चाहता हूँ MP सर को, फ्री एंट्री फीस करके इतना बड़ा टूर्नामेंट कराया। नमस्कार, मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नेशनल स्पोर्ट्स डे को मनाते हुए भादु बस्ती में वहां के काउंसलर ने MP ट्रॉफी 1 डे फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया, जहां सैकड़ों की संख्या में दर्शक आए और 24 टीमों ने हिस्सा लिया। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और नजारा किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच से कम ना था। पूरे पोर्ट ब्लेयर में सांसद जी द्वारा फ्री टूर्नामेंट कराने पर हर युवा खुश था और ट्रॉफी पाने की चाह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और सांसद जी को धन्यवाद भी दिए। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इस वक्त हैं भातुबस्ती स्टेडियम में, जहां मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य में हमारे द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने कई जगहों पर 1 डे नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया है और उसी उपलक्ष्य में यहाँ के जो काउंसलर है श्री वेट्री जी, उन्होंने यहाँ पे आज के दिन इसको रखा है। और चलिए हम इसी टूर्नामेंट को लेकर उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। जैन सर नमस्कार। जैसे कि आपको पता है, आने वाले 29th को हमारा पूरा देश नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाने जा रहा है। उसी के अवसर पर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रेस्पेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी, हमारे अंडमान के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन किए हैं। इसके अंतर्गत काफ़ी जगह पर, जैसे कि आज के दिन में भातु बस्ती वार्ड नंबर 19 में फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, 1 डे फुटबॉल टूर्नामेंट। 29th को JNRM पर होगा, मीठा खाड़ी पर होगा, काफ़ी जगह पर हो रहा है, जिससे कि हमारे जो आइलैंड के बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स में काफ़ी प्रमोशन मिलेगा। और आपको पता है कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ड्रग फ्री, हमारे आइलैंड को ड्रग फ्री करने में काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। उसके अंतर्गत उन्होंने रैली भी करवाया था पिछले महीने में, आप देखे थे। तो जैसे कि बच्चे, यहाँ के बच्चे जैसे स्पोर्ट्स में व्यस्त रहेंगे तो उनको, उनका माइंड ड्रग्स वगैरह में डाइवर्ट नहीं होगा। तो स्पोर्ट्स में क्या है, मोटिवेट करने से हमें बच्चों को अपना जिंदगी में, निजी ज़िंदगी में भी उनका अच्छा करियर बन सकता है। बेटे जी, जानना चाहूँगा कि कितना समय मिला था आप लोगों को ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराने के लिए? हमारे मेंबर लोग पाने में 3 डेज बिफोर हमें बता दिए थे, 3 दिन पहले। और अभी कितने टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है? आज हमारे यहाँ पे 24 टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाइस, 24 टीम कर रहे हैं, अभी इसमें क्वार्टर फाइनल स्टेज तक पहुंच चुका है। तो ये सारी जो 24 टीम है, ये भातुबस्ती से ही है कि अलग अलग जगह से? टोटल हमारे आइलैंड के सभी बच्चे फरायरगंज से आए हुए हैं, तुष्णाबाद से आए हुए हैं, मिनी बे से आए हुए हैं, हैडो से, ग्यारह चरमा, सारे जगह से आए हुए हैं। भातुबस्ती से सिर्फ 2 टीम है, बाकी सब बाहर से टीम आए हुए हैं, पूरे आइलैंड के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम आपको भी धन्यवाद करेंगे कि इतने जल्दी आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
हम अक्सर देख रहे हैं कि आजकल हमारे द्वीपों में जो खेल कूद को लेकर जो भावना है ये काफ़ी सकारात्मक है, और इसके सपोर्ट में भी पूरे द्वीपवासी जो है एकजुट होकर सामने आते हैं, और हमारे द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी भी इनको हर संभव सहायता भी देते हैं। हमें सूत्रों से पता चला है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर जब यहाँ के कुछ काउंसलर्स और PRI मेंबर्स ने ये आग्रह किया था कि इस उपलक्ष्य पर इन लोगों को एक वन डे नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कराना है, तो तुरंत ही सांसद जी ने इसमें हामी भरी और द्वीपों के कई जगहों पर इसका आयोजन किया गया, जैसे बम्बू फ्लैट, मनारघाट, मीठा खाड़ी, भातु बस्ती और हमारे JNRM कॉलेज के स्टेडियम में भी। ये एक अच्छा संदेश भी है हमारे युवाओं के लिए कि वे खेल कूद की तरफ और सेहत को लेकर ज़्यादा जागरूक हो, उस पर ज़्यादा ध्यान दें, और अपने जो खाली समय रहता है उसमें पढ़ाई लिखाई और काम के अलावा वे स्पोर्ट्स की तरफ भी आकर्षित हो, स्पोर्ट्स की तरफ भी अपना झुकाव दिखाए। और ये देखने को मिल भी रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आए दिन हमारे द्वीपों में चाहे वो फिर चेस हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, स्क्वैश हो, अनेकों गेम में लोग जो हैं, हमारे युवा जो हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इस जोश को जो आप देख रहे हो, ये आवाज़ जो आप सुन रहे हो, ये आवाज़ उन दर्द भरी चीखों से तो बहुत अच्छी है जब ड्रग्स या नशे की हालत में तड़पते हुए इंसान लेते हैं, तो हम सब चाहते हैं कि ऐसी आवाज़ें हमारे द्वीपों में हर कोने से निकले, ना कि वो आवाज़ें जो दर्द में इंसान नशे के वजह से, ड्रग्स की वजह से या बुरी आदतों की वजह से निकालता है। बुक योर ऑल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट्स ऑनलाइन विद अंडमान ब्लू बे हॉलीडेज, अंडमान्स फर्स्ट फ्लाइट टिकट ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट। लॉग ऑन टू www.andamanbluebay.in। हमारे एकमात्र सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी का इंतजार, कुछ ही पल में वो इस मैदान पर पहुंचेंगे। लीडर्स हमारे बीच उपस्थित हैं, उनको सम्मान करते हुए वेट्रीवेल वार्ड काउंसिलर और शक्तिवेल ब्लॉक प्रेसिडेंट गैरा शर्मा जी, मैं अनुरोध करता हूँ कि शांता मैडम को शॉल पहनाकर उनका स्वागत करें। Time to shine, don't wait in line, if I must put thought.
लेके नहीं आता। चलिए हम आज यहाँ पर आए कुछ मेहमानों, उनसे भी हम जानेंगे इस टूर्नामेंट को लेकर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद मैम। हमारा एमपी साइलेंट है कुलदीप राय शर्मा जी भी जगह जगह पर स्टेडियम में ये यूथ बच्चों का तरह तरह का गेम्स स्टार्ट किया है ताकि वो खेले, उनका दिल लगे और लोग जो है एंजॉय करें उसको देखे। एक बड़ी अच्छी चीज़ है ये बधाई दूंगी कुलदीप राय शर्मा जी को कि ये आज गांव के इलाके में इतना बड़ा ग्राउंड में भातु बस्ती में ये गेम बंदोबस्त हुआ है। जैन, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के अच्छे शुभ अवसर पर आप यहाँ पर आए और हम लोगों से बातचीत करने का ये सुंदर मौका हमें दिया। हमारे माननीय सांसद जी है वो कुलदीप राय शर्मा जी, उनके नेतृत्व में हर जगह पर वॉलीबॉल, फुटबॉल सारे टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह का जो आयोजन हो रहा है उससे हमारे युवाओं में एक साहस होता है और आगे आने का उनको एक साहस मिलता है। ये जो टूर्नामेंट हमारे एमपी साहब कुलदीप राय शर्मा के नेतृत्व में हो रहा है और साथ ही युवाओं को आगे लाना, स्पोर्ट्स सबसे ऐसा चीज़ है कि जिससे कि हर तरह का खुशी मिलती है और बच्चे आगे जाते हैं। ये टूर्नामेंट सब जगह हो रहा है और हमारा एमपी साहब इसको करा रहा है। धन्यवाद। हम लोग ये क्षेत्र के हैं, बहुत खुश लग रहा है, बच्चा लोग खेल रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मैं एमपी सर, उनका एक ही मकसद है कि युवा कुछ भी हो, युवा बस आगे बढ़ता जाए, कुछ करता जाए और ये नशा मुक्ति, ये सब जितने भी गलत आदतें हैं उसे छुटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। नमस्ते। आज एमपी साहब ने ये बढ़िया प्रोग्राम अरेंज किया है। हमारा वार्ड का काउंसलर वेटरी भाई भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बच्चा लोग स्पोर्ट्स में थोड़ा एक्टिविटीज़ रहना है बच्चा लोग को, घर में ऐसे ही बैठे रहना अच्छा नहीं है, ये खेल कूद में इंटरेस्ट दिखाएंगे तो और अच्छा है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि बच्चे अगर गेम में अगर आगे बढ़ते हैं तो शायद उनका गलत ध्यान से वो दूर रहेंगे, नशा मुक्ति करने के लिए शायद हमारा एमपी साहब ने ये काम आगे किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत एमपी साहब का धन्यवाद करती हूँ। हमारा अंडमान निकोबार युवा लोग के लिए जो ड्रग अब्यूज के अगेंस्ट में एमपी साहब ने बहुत कदम उठा रहा है उसका एक पार्ट है। आपको यंगस्टर्स का स्पोर्ट्स प्ले ये सब आपको एनकरेज कर रहा है। आज हमारा वार्ड नंबर 19 का काउंसलर वेट्री वेलु, उनका ऑर्गेनाइजेशन में इतना बढ़िया प्रोग्राम यहाँ बात बस्ते में देखने के लिए बहुत खुशी लग रहा है। नमस्कार। आज जैसे कि आज हमारा पूरा देश में स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाया गया है और पहले हम एक दो गोल्ड में ही सीमित होते थे मगर आज हमारा देश काफ़ी आगे जा चुका है तो हम ये चाहते हैं कि हर जगह से, हर क्षेत्र से हमारे बच्चे आगे निकले और देश का नाम को रोशन करें। सबको नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। एज ए कोच, एज ए नेशनल रेफरी, मैंने देखा है 20-25 साल का अपना कैरियर में कि अंडमान निकोबार आइलैंड फुटबॉल का एक गढ़ है। फुटबॉल यहाँ पे बहुत मात्रा में बच्चों के अंदर में, बच्चों के खून में है और हमारे बच्चे जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल में काफ़ी हद तक खेल चुके हैं। आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये बहुत बड़ा प्रयास रहा और हमारा एक अंडमान निकोबार आइलैंड जो मिनी इंडिया का नाम से जाना जाता है, एक खुशहाल और तरक्की के आइलैंड से नाम से जाना जाए। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया है और भी इसी तरह होते रहे। टूर्नामेंट अच्छा करा है जी एमपी सर, तो अच्छा टूर्नामेंट बोल रहे हो, एमपी सर ने अच्छा टूर्नामेंट करा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, पूरा साल भर चलते रहने से अच्छा है, क्रिकेट फुटबॉल कुछ भी होने से, कुछ भी स्पोर्ट्स। थैंक यू। बढ़िया बात है सर कि अच्छा लग रहा है कि एमपी सर इतना टूर्नामेंट करा रहे हैं, बच्चों को चांस मिल रहा है,
जो पहले के थे वो भी खेल में इंटरेस्ट ले रहे हैं, यहाँ खेल रहे करके नया चेहरा भी खेलने आ रहे हैं। ऐसा तो पहला बार अभी हम देखा क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है होता है करके, तो देख के भी अच्छा लगता है। अभी हम लोग का बैटलाइन में भी है यही वाला इंटरव्यू और फ्री इंटरव्यू से सब आ सकते हैं, जिसके पास ऐसा नहीं वो भी आ सकता। अच्छा लग रहा है सर, मज़ा आ रहा है। एमपी सर अभी बहुत अच्छे हैं और अच्छा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो यूथ लोग को बढ़ावा दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा। ऐसा टूर्नामेंट होते रहना चाहिए, अगर होते रहेगा तो ज़्यादा यूथ इन्वॉल्व होएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह इवेंट हमेशा होते रहना है यहाँ पे। कैसा लग रहा है टूर्नामेंट आपको? बहुत अच्छा लग रहा है आपको, ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए। और आप कुछ कहोगे? टूर्नामेंट मेरा बहुत बढ़िया लग रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है। और मेरा खुद का टीम है इधर में साई ब्रदर्स करके, साई ब्रदर्स एफसी। अभी हम लोग हार चुके हैं सेमीफाइनल में आके, कोई बात नहीं, ये खेल है, खेल में ऐसा हार जीत तो होता है। हमें बहुत मज़ा आया लेकिन खेल के। लेकिन मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ एमपी सर को, जो नेशनल स्पोर्ट्स डे का दौरान इसके बीच में हमारे इतना बड़ा फ्री करके, हम लोग फ्री एंट्री फीस करके इतना बड़ा टूर्नामेंट कराया, हमारे बच्चों को मतलब मोटिवेट कराए कि खेल आप भी सकते हैं, एक बार खेल के देखिए आप। थैंक यू साई। ट्रॉफी के लिए एमपी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोल रहे हो? लेकिन ऐसा कंटिन्यू करवाते रहना चाहिए। आप क्या बोल रहे हो? आदित्य शर्मा जी जो 11th स्टैंडर्ड केवी के स्टूडेंट हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर और आज यहां जो भातुबस्ती में टूर्नामेंट हो रहा है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम आदित्य शर्मा है और मैं एमपी सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप ऐसे ऐसे टूर्नामेंट करवा रहे हो जिससे नए नए यंगस्टर उभरते हुए सितारे, उनको सबको मौका मिल रहा है। दिल से मेरा शुक्रिया है कि हम लोग आए और हमने खेला, हमको बहुत प्यार मिला इधर से और हमारी टीम ने भले ही जीता नहीं लेकिन अच्छा खेला। ये जो कॉन्सेप्ट है नेशनल स्पोर्ट्स डे में इस तरीके से वन डे नॉकआउट टूर्नामेंट कराना फुटबॉल को, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इसमें
अपना योगदान दे रहे हैं इस टूर्नामेंट में, अच्छी बात है। इससे और क्या फ़ायदा हो सकता है? यही हो सकता है कि आने वाले समय में वो बड़े सितारे बन सकते हैं, कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। यही पहला फेस होता है ज़िंदगी में कि ऐसे छोटे छोटे टूर्नामेंट से फिर बड़े बड़े टूर्नामेंट में जा सकते हैं आप लोग। मुश्किलें आती रहेंगी जीवन में, हारना नहीं कभी। थैंक यू आदित्य। एक बार तुम्हारा जोरदार तालियां बजनी चाहिए आदित्य शर्मा के लिए, उन्होंने इस अंकित में भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, आपका बहुत फैदिल से हम सम्मान करते हैं और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच। इस मंच पे बुलाना चाहते हैं हर एक मीडिया भाई बहनों को, उनको सम्मानित करने के लिए हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट और काउंसिलर बैठी है इंतजार पे खड़े हैं। तो मैं जितने भी मीडिया भाई बहन है प्लीज यहाँ पर आ गए। यामीन भाई क्रूज अंडमान 24/7। मैं यामीन भाई को मिलना चाहूंगा। Yes, अंडमान 24/7 यामीन भाई, थैंक यू सो मच। महेश आईएन न्यूज है दिल्ली, बी न्यूज, थैंक यू सारे मीडिया कर रहे भाई बहनो। रमान भाई for Antumma.
सभी को धन्यवाद कि आप लोग आए और हमारा एमपी साहब का टूर्नामेंट को कवर कर रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि एक्चुअली ये पूरा टूर्नामेंट हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य में एमपी साहब के द्वारा सारे साउथ अंडमान के विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग करा रहे हैं। खासकर सबसे पहले हम लोगों ने बातूबस्ती पे इसको शुरू किया, कल ही हमारा टूर्नामेंट शुरू हुआ। एमपी साहब जब से अंडमान निकोबार का सांसद बने हमारे कुलदीप राय शर्मा जी, इन्होंने स्पोर्ट्स स्टेडियम ये खेलकूद पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। अगर आप नमूनगर मीठागढ़ी ये सब एरिया पे जाओगे तो आप देखोगे सारे मोस्टली ग्राउंड पे फ्लड लाइट लगा है। बम्बू फ्लैट के साइड चले जाइए, आप कन्याकुमारी के साइड चले जाइए, तो यूथ आजकल जो शाम के समय गलत रास्ता में जा रहे थे वो सारा यूथ आज स्टेडियम पे उस लाइट को यूज़ करके नाइट टूर्नामेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करके हमारे यूथ उस चीज़ में बिजी है। तो मैं भी अपने तरफ से भी सांसद जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इस तरह का इनिशिएटिव हम लोग हर जगह पे कर रहे हैं, आने वाले समय में बाकी जगह में भी करेंगे। तो मैं सभी यूथ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़कर इस पूरे टूर्नामेंट में आप लोग पार्टिसिपेट करिए। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है हमारे एमपी साहब ने इनिशिएटिव लिया है, खास करके नेशनल स्पोर्ट्स डे के ऊपर में। तो पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड में ज़्यादा जगह जितने भी ग्राउंड है मोस्टली वहाँ पर चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। इससे कम से कम हमारे यूथ युवा संघ जो है यूथ जो है थोड़ा सा ड्रग्स से हट के आएंगे, अपना कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे और उनको अपना वीकनेस पता चलेगा और वो सुधर के थोड़ा अच्छा से टूर्नामेंट में मतलब खेलने का कोशिश करेंगे, अपना गाँव का नाम अपना टीम का नाम रोशन करने का कोशिश करेंगे। और एमपी साहब से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि आने वाले समय में भी इसी तरह करते रहें, ताकि वैसे भी वो करते हैं खास करके युवा के ऊपर युवक युवतियों के ऊपर में ध्यान देते हैं। यहाँ के जो काउंसलर है हमारे वेटरी जी वो भी पूरा इनिशिएटिव लेके पूरा इसको सक्सेस करने के लिए कोशिश करें। देखिए हम सबको पता है कि 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे है, तो इस अवसर पर मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे जो नौजवान बच्चे हैं यूथ से इनके लिए हम कुछ प्रोग्राम करें, और इसीलिए मैंने एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया है एमपी ट्रॉफी। और ये मैं कोशिश ये था कि ये जो ट्रॉफी है दूर दराज गांव तक का ये चीज़ ये ट्रॉफी का हम लेके जाए। इसका बेसिक मकसद ये है कि देखिए जैसा नेशनल स्पोर्ट्स डे है तो वो दिन स्वाभाविक है कि स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा लोग बात करते हैं, साथ ही साथ हमारा जो दीप है हमारे दीपों के अंदर में बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों का टैलेंट्स को उभारें, उनको प्लेटफॉर्म दें, उनको मौका दें कि वो जिस भी खेल में रुचि रखते हैं उस पर उनको बढ़ावा दें। जैसे अंडमान निकोबार के अंदर में खास तौर पे फुटबॉल और क्रिकेट का बहुत बड़ा क्रेज़ हमारे नौजवान बच्चों के बीच में है, तो मैंने ये सोचा कि मैं बच्चों को फ्री एंट्री विदाउट एनी एंट्री फीस उनको कुछ प्लेटफॉर्म दूँ। और बड़ा खुशी का बात है कि आज जैसे हम लोगों ने ये नॉकआउट टूर्नामेंट एमपी ट्रॉफी ऑर्गेनाइज किया है भातुबस्ती के जो स्कूल ग्राउंड में, और इसमें 24 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है और बच्चों के अंदर बहुत जोश है, बहुत लगन के साथ मेहनत के साथ बच्चों ने खेला। और आज जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फाइनल पुरस्कार भी बच्चों को दिया, तो इससे ये पता चलता है कि अंडमान निकोबार के बच्चे जो है वो खेल में बहुत रुचि रखते हैं, और उनका रुचि जो वो रखते हैं हम लोग को चाहिए कि जितना मौका हो सके जितना जगह हो सके जितना प्लेटफॉर्म हो सके उनको हम दें, ताकि हमारे बच्चे जो भी गलत चीज़ है समाज के अंदर में चाहे वो ड्रग्स हो चाहे वो शराब हो या इस तरीके की चीज़ से वो दूर अपने आप को रखे और खेल के प्रति अपना रुचि को बढ़ाए, जिससे फिजिकली मेंटली वो फिट रहे और एक अच्छा नागरिक बनके एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनके आने वाले समय में अपना जीवन में अपने स्पोर्ट्स को करियर बना के वो अपना जीवन को व्यतीत करे। और इसी तरह मैंने बहुत सारे जगह में जैसे आज हम लोग का प्रोग्राम स्पोर्ट्स का जो प्रोग्राम हुआ है ये भातुबस्ती में जो हमारे यहाँ के काउंसलर वेट्री जी और हमारे जो शक्ति जी ये दोनों भाइयों ने बहुत अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम को किया यहाँ पे, और इनके जो फादर थे विलकनु जी वो भी अक्सर समाज में इस तरीके के अच्छे अच्छे काम करके अपने एरिया में सब नौजवान बच्चों को उन्होंने आगे बढ़ाया स्पोर्ट्स के प्रति और भी जो सोशल एक्टिविटीज़ है उसके प्रति। अब मुझे खुशी है कि उनके दोनों बच्चे आज इसी तरीके के बहुत अच्छा काम समाज में कर रहे हैं, खासतौर पर जो नौजवान पीढ़ी है उनको आगे बढ़ाने के लिए, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे बच्चों का पढ़ाई हो फ्री ट्यूशन हो या सोशल एक्टिविटीज़ हो, बहुत तरीके के अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स वो कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि जैसे ये दोनों भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं बाकी यूथ भी उनसे इंस्पिरेशन लेके अपने अपने एरियाज में अपने जो नौजवान बच्चे हैं साथी हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको प्लेटफॉर्म वो दे, ताकि हमारे जो बच्चों का टैलेंट है वो उभर के आए और वो बहुत अच्छा काम कर सके। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आने वाले दिनों में हम लोग जैसे बम्बू फ्लैट में ये ट्रॉफी होगा, बदरघाट में ये ट्रॉफी होगा, मीठागढ़ी में ट्रॉफी होगा,
फारगन में यह ट्रॉफी होगा और उत्तापाड़ा में ट्रॉफी होगा, तो अलग अलग जगह में बहुत सारे जगहों में मेरी ये कोशिश है कि हजारों की तादाद में हमारे जो नौजवान साथी हैं वो इस टूर्नामेंट में भाग लें, पार्टिसिपेट करें और अच्छे से अपना खेल का प्रदर्शन करें और हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में हमारे बच्चों के लिए और भी अच्छा प्लेटफॉर्म हम तैयार कर सके। थैंक यू सो मच। ये जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है बच्चों को, इसमें पोर्ट ब्लेयर के जो बच्चे उनको फायदा हो रहा है काफी, क्योंकि कमेंट्स में ये भी आता है हमें कि क्यों नहीं ये इंटर आइलैंड्स में भी एमपी कप कराया जाए ताकि वहां के बच्चे को भी ये मौका मिले। इंटर आइलैंड कप मेरा नवंबर में करने का इरादा है, नवंबर मैंने पूरा अपना चेकआउट किया है, नवंबर दिसंबर में इंटर आइलैंड के अंदर में ट्रॉफी होगा। थैंक यू सर। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे और भी टूर्नामेंट्स कराए जाएं ताकि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो किसी भी तरीके की गलत आदतों में ना पड़े और अपने सेहत की तरफ ध्यान देते हुए स्पोर्ट्स में उनकी जो रुचि है उसको निखारें, बजाय इसके कि वे किसी भी नशाखोरी में जाए या अपने समय को व्यर्थ करें। उससे अच्छा जिस तरीके से हमारे द्वीपों में कई संगठन भी है जो स्पोर्ट्स को आयोजित कराते हैं, और उसी तरह हमारे एमपी साहब ने भी एमपी ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, ऐसे और भी टूर्नामेंट्स कराए ना सिर्फ पोर्ट ब्लेयर के लिए बल्कि अंतर द्वीपों में भी, चाहे डिगलीपुर हो या कैंबल बे, तमाम द्वीपों में भी वहां के भी बच्चों को बढ़ावा देने के लिए और उनको स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसे और भी कप्स कराए जाए ताकि हमारे द्वीपों से जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं उनको भी बड़े से बड़ा मंच मिले। हम अंत में एक बार फिर हमारे द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद करते हैं इस बेहतरीन ट्रॉफी के लिए जो पूरे पोर्ट ब्लेयर में जगह जगह पर कराए जा रहे हैं, जिससे यहाँ के युवा पीढ़ी भी काफ़ी खुश हैं, वे भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ट्रॉफी है ये अपने नाम करें। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यमीन, न्यूज अंडमान 24/7, नमस्कार। युवाओं को सेहत व स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित करने व हर किस्म की बुरी आदतों से दूर रहने का संदेश देते हुए द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी को हम न्यूज अंडमान 24/7 की टीम भी पूरे दिल से धन्यवाद देती है इस ओपन टू ऑल फ्री फुटबॉल नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 से आज किस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।